सचिव बैद गुरु तीन जौ प्रिय बोले भय आस राज धर्म तनु तीन कर हो ही बेगही नास। तुलसीदास का यह पद है और यह पद साफ तौर पर कहता है कि आपका राज्य का मंत्री सचिव गुरु और वैद्य ये तीनों अगर किसी के डर के मारे प्रिय बोलने लगे तो विनाश ही होगा राज्य का शरीर का और धर्म का। तुलसीदास की इन्हीं चौपाइयों को कोट करते हुए आज के वीडियो में एक बहुत ही विवादित शब्द ताड़ना को लेकर के कुछ बातचीत आपके सामने करने वाला हूं। ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना, ताड़ना का अर्थ प्रशिक्षित करना, ताड़ना का अर्थ नजर रखना, ताड़ना, इन सारे तर्कों से इस शब्द को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ या जो प्रताड़ित करना मारना जो सामान्य अर्थ है इसके ऊपर हमला किया जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि हम ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी इसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। तो क्यों ना इस बात की पड़ताल की जाए कि हिंदी की दुनिया में ताड़ना शब्द शब्दकोशों में क्या अर्थ रखता है। और सबसे दिलचस्प बात इसको लेकर के तुलसीदास की रामचरितमानस का जो संस्करण छापा गीता प्रेस ने उसने पहले क्यों इसका अर्थ दंड देना रखा था क्यों बदल दिया शिक्षा देना कर दिया और कौन से संस्करण है रामचरितमानस के बाकी संस्करणों में उसका क्या अर्थ है इन्हीं सारी विषयों को लेकर के आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं। एक और दिलचस्प बात ताड़न शब्द का अर्थ अगर ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी में यह है तो क्या रामचरितमानस में ताड़न शब्द कहीं और भी आया है इसकी भी पड़ताल करेंगे। इसलिए इस पूरी वीडियो को देखिएगा। स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस को लेकर के पिछले दिनों जो भी विवाद चल रहा है उस पर आपने विस्तार में मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने तुलसीदास के रामचरितमानस के उन पदों का विश्लेषण किया उनकी आलोचना को लेकर के हिंदी की साहित्य दुनिया में क्या इतिहास रहा है क्या सब लोगों ने तुलसी की रचना को एक धार्मिक ग्रंथ मान लिया या हिंदी की दुनिया ने उसकी आलोचना भी की उनकी तारीफ भी की तो उनकी कठोर शिकायतें भी तुलसी की रचना से की। इस पर आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। अगर देखा होगा तो आप उस पृष्ठभूमि से वाकिफ हैं और नहीं देखा होगा तो पहले ये पूरी वीडियो देखिएगा और उसके बाद अब मैं इस वीडियो में एक बहुत खास बात लेकर के आया ताड़ना। ताड़ना शब्द जो एक बहुत ही विवादित चौपाई में आया है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी और जब इस पर सवाल उठाया गया हिंदी की दुनिया में भी उठाया गया बाहर समाज के बीच में राजनीति के बीच में जब ये विमर्श आया कि ताड़ना शब्द का अर्थ तो बहुत गलत है किसी को मारना प्रताड़ित करना तो अचानक बचाव की एक बहुत बड़ी लॉबी आई सामने और उसने कहा कि नहीं भाई ताड़ना का अर्थ अवधि में शिक्षा देना होता है। इस तर्क से ये पूरी बहस इस दिशा में चली गई कि ये ताड़ना शब्द असल में है क्या। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हिंदी का एक शब्दकोश जो मेरे सामने है आप स्क्रीन पर देखिए इस शब्दकोश का वृहत हिंदी कोश। वृहत हिंदी कोश का ये जो पन्ना आपके सामने है इसमें सबसे पहला अर्थ ताड़ना का मार आघात मारने पीटने की क्रिया डांट डपट और उसके बाद इन्होंने एक जगह पर दूसरा शब्द जब संज्ञा क्रिया के रूप में लिया तो भांपना जान लेना समझ लेना ये एक शब्द वहां पर है लेकिन उसके बाद सुधार के उद्देश्य से मारना सजा देना डांटना डपटना कष्ट देना दुर्वचन कहना। और पिछली वीडियो में भी मैंने तुलसी शब्द सागर का यह पन्ना आपको दिखाया था। ताड़ना का अर्थ साफ तौर पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 203 पर ताड़ना का अर्थ लिखा हुआ है साफ तौर पर मार घुड़ की और कोट किया है तुलसी के उसी दोहे को सकल ताड़ना के अधिकारी। और पहले ही मैंने बता दिया ये भोलानाथ तिवारी संपादित तुलसी शब्द सागर यानी साफ तौर पर गूगल का ये पन्ना देखिए ताड़ना शब्द का अर्थ मारना पीटना डांट डपट ही दे रहा है और इस सब को लेकर के आपके सामने एक इतिहास भी इतिहास में एक ये पन्ने कुछ मिलते हैं। आप गूगल करेंगे आप थोड़ा शोध करेंगे तो ये हस्तलिखित प्रतियां हैं ये तुलसी की रचित नहीं है लेकिन इन प्रतियों में जो बहुत पुरानी प्रतियां जिसमें हाथ से लिख करके उन दोहों को सहेजा गया उनमें भी देखिए यह पूरा दोहा आपको इस छोटे पद में दिख रहा होगा ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ताड़न शब्द नहीं था पहले तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ताड़न शब्द ताड़ना शब्द तुलसी के रामचरितमानस में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। और अब
वह विवादित दोहा। सुंदरकांड के आखिरी पन्नों पर जब आप जाएंगे तो समुद्र की वाणी, प्रभु भल की निमोह सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना की अधिकारी। और अब ध्यान से देखिए ये नया संस्करण जो रामचरितमानस का है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी है। यानी गीता प्रेस ने जो तकरीबन 100 साल पहले से अब इन रचनाओं को प्रकाशित करना शुरू किया, उन्होंने अब जो रचनाएं हमें प्रकाशित करके सौंपी हैं उनमें ताड़ना कर शिक्षा कर दिया है। और अब एक इतिहास है इसका। अब आपकी स्क्रीन पर ये एक पुरानी प्रति गीता प्रेस के रामचरितमानस के पृष्ठ संख्या 736 और साफ तौर पर उसे हाईलाइट किया गया है, ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब दंड के अधिकारी हैं। जी हाँ, रामचरितमानस का जो शुरुआती संस्करण है गीता प्रेस का, उसमें शिक्षा के अधिकारी नहीं दंड के अधिकारी साफ तौर पर लिखा गया। रामचरितमानस के प्रकाशकों को, गीता प्रेस के लोगों को यह लगा होगा कि हो सकता है कुछ दिन बाद लोग ये दंड के अधिकारी जिन्हें बनाया गया वो सवाल पूछने लगे कि हमारा तब का दंड का अधिकारी कैसे है। उन्होंने 60 के दशक में इस शब्द के मायने बदल दिए। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि इनमें जो व्याख्याएं हैं ये तुलसी की लिखी हुई व्याख्या नहीं है। ढेर सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो व्याख्या है ये तुलसीदास ने लिखी है। नहीं भाई, हनुमान दास पोद्दार ये जो टीकाकार हैं जिन्होंने टिप्पणी लिखी है उन्होंने व्याख्या लिखी, और पुरानी टिप्पणी में वो दंड के अधिकारी, नई टिप्पणी में शिक्षा के अधिकारी हो गया। ये तुलसी का अर्थ नहीं है बताया हुआ, तुलसी ने ताड़ना ही लिखा है। आप उनकी व्याख्या दंड से शिक्षा करने लगे। एक रामचरितमानस जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अब मैं इसको कोट कर रहा हूं। ये पहला पन्ना देखिए, गोस्वामी तुलसीदास नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुग्रह से संवत 2028 में काशी में इसको परिषद की ओर से फिर से संपादित करके प्रस्तुत किया गया। गया प्रसाद ज्योतिषी व्यवस्थापक जो है अखिल भारतीय विक्रम परिषद काशी, उनके निर्देशन में यह रामचरितमानस प्रकाशित हुआ। 784 पृष्ठ पर रामचरितमानस, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और नीचे ये देखिए साफ तौर पर लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब ताड़ना देते रहने से ही ठीक रहते हैं। ताड़ना का अर्थ नागरी प्रचारणी सभा भी बता रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने बड़ा दिलचस्प ये वाक्य उठाया, जैसे मैं अगर शिक्षक हूं तो क्या मैं कल से, अगर शिक्षा देना ताड़ना का अर्थ हो गया तो मैं कल से ये कहूं कि असिस्टेंट ताड़क, एसोसिएट ताड़क, या ताड़क यानी जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसर ताड़क, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को अलग अलग प्राथमिक ताड़ना केंद्र, माध्यमिक ताड़ना केंद्र और उच्च ताड़ना केंद्र। शब्दों के साथ खेलना, हिंदी की दुनिया तो हमको यही सिखाई हुई है शब्दों से कैसे खेला जाता है, और आप मूल अर्थ को बदल कर, छिपा कर या गलत अर्थ बताकर आप पूरे समाज में ये कहना चाह रहे हैं, नहीं भाई संदर्भ देखिए। और पिछली वीडियो में आप देखे होंगे कि मैंने ये बताया कि समुद्र की वाणी अगर यह है तो राम की वाणी भी यह है। अब आइए राम की वाणी को मैं कोट कर रहा हूं, ध्यान से अपनी स्क्रीन को देखिए। रामचरितमानस का अरण्य कांड दोहा संख्या 33, चौपाई संख्या 1। और ये प्रसंग क्या है, ये प्रसंग जटायु को तार करके जब राम लौट रहे हैं तो रास्ते में कबंध नामक एक राक्षस से भेंट होती है और उससे संवाद है, और वो जब नाराज होकर कहता है कि दुर्वासा ऋषि ने उसे श्राप दिया, तो राम के मुख से ये संवाद रामचरितमानस में कहलाया गया है। बाकी आप पिछली वीडियो में जाकर गौर करके देखिए कि भरत क्या कह रहे हैं महिलाओं को लेकर, अनुसूया सती अनुसूया सीता जी को लेकर के जब उपदेश दे रही हैं तो महिलाओं को लेकर क्या कह रही हैं, प्रमुख पात्र राम क्या कह रहे हैं इसमें भी सुन लीजिए। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजी असगावहि संता, पूजी विप्र सील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। गौर करिए, खल पात्र नहीं नायक पात्र राम की वाणी, और प्रसंग अरण्य कांड दोहा संख्या 33 चौपाई संख्या 1, जटायु को पार करने के बाद जब लौट रहे हैं राम, कबंध नामक राक्षस से संवाद, और राम ये कह रहे हैं संत महात्मा कहते हैं, और इस बात में वो क्या कोट कर रहे हैं, नायक पात्र। और ताड़न शब्द यहाँ आया है,
गौर करो ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी को शिक्षा देने की बात करने वालों, गीता प्रेस की चूक मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। एक जगह उसने ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा देना कर दिया, लेकिन रामचरितमानस के अरण्य कांड में ताड़न शब्द का अर्थ वो नहीं बदल पाए। और देखिए आपकी स्क्रीन पर, शापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्यस गावई संता, शाप देता हुआ मारता हुआ, गौर करें ताड़त का अर्थ क्या हुआ, मारता हुआ, और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। गौर करे गीता प्रेस, गौर करें इस देश और समाज के लोग, गौर करें वो लोग भी जो शिक्षा देने को ताड़ना से जोड़ रहे हैं। आपके ही तर्क को अगर बढ़ाएं तो गीता प्रेस चूक गया यहाँ पर। ताड़त शब्द संस्कृत व्याकरण, अवधि व्याकरण और भाषा विज्ञान तीनों में ताड़त शब्द ताड़ना का ही एक परिवार का सदस्य है, और इसलिए अगर एक जगह ताड़त का अर्थ होगा मारता हुआ तो दूसरी जगह क्यों शिक्षा देता हुआ। तो क्या गीता प्रेस अपने सच को छुपाने में नाकामयाब हो गया? क्या गीता प्रेस लोगों को ये बात समझाने में नाकामयाब हो गया कि शिक्षा देने के चलते हमने एक जगह तो अर्थ बदल दिया, दूसरी जगह नहीं बदल पाए? और ध्यान रखिएगा, संदर्भ भी बता रहा हूं, नायक पात्र की वाणी है ये भी आपको बता रहा हूं, इसलिए अब कृपा करके उतर्क न करें। और इस पूरे विवाद में मेरा कहना यही है, कबूल कर लीजिए, दिलबड़ा करिए, जनजातियों को लेकर के आपने ये टिप्पणियां की हैं, उन्हें कुतर्क से आप न तो बचा सकते हैं और न ही आप अर्थ बदल करके किसी को भ्रमित कर सकते हैं। ताड़ना शब्द अपने मूल अर्थ में यही है, और रामचरितमानस में खासकर उसका अर्थ यही है। आगे भी मेरी योजना यह है कि मैं कुछ और शब्दों और जातियों को लेकर के क्या क्या टिप्पणी हुई रामचरितमानस में, इसे भी आपके सामने पेश करूंगा। फिलहाल आप सभी को मैं जो ताड़ित किया, नहीं माफ करिए, शिक्षित किया, इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये बातचीत कैसी लगी इसको भी बताइएगा। रामचरितमानस को लेकर के इन पदों को लेकर आपकी टिप्पणी और राय क्या है इसे भी बताइए, और अगर ये बातें जरूरी लग रही हैं तो पहुंचाइए, प्रताड़ित करिए और लोगों को, समझाइए और लोगों को, शिक्षित करिए और लोगों को, जागरूक करिए, ताकि हम वाद विवाद संवाद की श्रृंखला को और आगे बढ़ाएं और अपने समय और समाज को कम से कम जागरूक करें, यह हमारी जिम्मेदारी है। आप देख रहे थे सामाजिक न्याय की पाठशाला, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।